दोस्तों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पर लगा है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता को वॉयलेट करने का आरोप। तो क्या आप इन्हें इलेक्शन से बैन कर दिया जाएगा? तो चलिए जानते हैं। जिस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन की डेट अनाउंस करता है उसके तुरंत बाद से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है जो कि रिजल्ट के अनाउंसमेंट तक लागू रहता है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह पावर आर्टिकल 324 से मिलती है जिसका मकसद होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराना। इसके कई सारे रूल्स में से एक रूल है जो कि कहता है कि किसी भी गवर्नमेंट मशीनरी का यूज इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए नहीं किया जा सकता। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश गए थे फॉर इलेक्शन कैंपेनिंग और जिस चॉपर से वह गए थे वो इंडियन एयरफोर्स का था जो कि गवर्नमेंट मशीनरी के अंडर आता है। तो इसीलिए उनके अगेंस्ट एक कंप्लेंट फाइल हुई है इन इलेक्शन कमीशन। और इसी सेम रीजन के चलते 1975 में इंदिरा गांधी जी को 6 साल के लिए इलेक्शन से बैन कर दिया गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं इलेक्शन कमीशन के 1999 एंड 2009 के रूल के तहत पीएम इन ऑफिस को ऐसा करना अलाउ है। तो हाँ, उन्हें इलेक्शन से बैन नहीं किया जाएगा।